हाँ अभी ध्यान दीजिए, मीटर ब्रिज समझते हैं। पहले दो इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे मैंने आपको, उन दोनों में से पहला जो इंस्ट्रूमेंट था सबसे नंबर फर्स्ट वाला, उसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये वाला जो होता है, ये जो पहला वाला होता है, इस पहले वाले को कहा जाता है मीटर ब्रिज। पहले नाम सुन लो इनके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ लेना, हिंदी में इसको अपन कहते हैं मीटर को तो मीटर ही बोलते हैं, और ब्रिज को बोलते हैं सेतु। इसमें एक मीटर का एक स्केल लगा होता है, स्केल, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर। और सेतु इसलिए बोलते हैं कि और व्हीट स्टोन ब्रिज पर काम करता है। इसलिए लेक्चर में आपको मैंने समझा रखा है ना व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मीटर ब्रिज। ठीक, अब बात करते हैं इस दूसरे वाले की, अब इस दूसरे वाले की बात करते हैं। ठीक, दूसरे वाले का जो नाम है वो समझ लेना, फिर दिखाएंगे आपको तरीके से। इस दूसरे वाले को अपन बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियो, मतलब होता है विभव, और मीटर मतलब मापने वाला, विभव मापी, इसको बोलते हैं विभव मापी। ठीक, एक तो चौड़ाई का अंतर था, एक इसमें भी स्केल लगा होता है, देखो दिख रहा होगा, इसमें भी स्केल लगा होता है, लेकिन इसमें जो तार होते हैं ना, ये तार ज्यादा होते हैं थोड़े से, उसमें तो एक ही तार होता है, इसमें तो एक ही तार होता है, इसमें तो एक ही तार होता है, स्केल पर लगा होता है, जबकि इस दूसरे वाले में एक से ज्यादा तार होता है। ठीक, ये किस पे काम करता है, ये भी नल डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है हिंदी में, नल मतलब हो गया जीरो, और डिफ्लेक्शन मतलब होता है विक्षेप। तो ये स्थिति जो है अपने सामने आती है, पहले आपको दोनों उपकरणों के नाम पता होने चाहिए, दोनों के नाम पता होने चाहिए। इन उपकरणों की नॉलेज आपको कुल मिला के दो लेक्चर लग जाएंगे, आपको दो लेक्चर में, एक में सिखाऊंगा इसके बारे में, जैसे आज तो इसके बारे में सिखाऊंगा, और कल वाले में ये जो है इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। इसका नाम तो क्या है बताओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है विभव मापी, पोटेंशियो मीटर। इन दोनों के नाम पता होने चाहिए, इन दोनों के काम पता होने चाहिए, इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, इनके नाम, इनके काम, और इनके कॉन्सेप्ट। अरे ये बात समझ में, नाम, काम और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो आपको इन दोनों उपकरणों की नॉलेज होनी चाहिए, और इस नॉलेज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए इनका नाम, फिर इनका काम, और फिर इनके प्रिंसिपल, इनके सिद्धांत। ठीक, देख दोनों चीज मैंने आपको बता दी है कि क्या तो इनके नाम है, क्या इनके सिद्धांत है, क्या इनके काम बता। ये वाला क्या कहलाता है, ये वाला कहलाता है मीटर सेतु, और दूसरे वाला क्या कहलाता है, दूसरे वाला कहलाता है विभव मापी, यानी कि पोटेंशियो मीटर। ठीक, विभव मापी और मीटर सेतु। ठीक, दिखा देता हूं, विभव मापी में और मीटर सेतु में, इन दोनों में क्या क्या अपन जनरल सामान्य ज्ञान लगा के पहचान कर सकते हैं, कि अगर मैं इनमें सामान्य ज्ञान लगाऊं तो सामान्य ज्ञान से मुझे क्या क्या पहचान मिलेगी, कि विभव मापी तो होता है चौड़े वाला, मीटर सेतु होता है थोड़ा कम चौड़ाई वाला, विभव मापी में ज्यादा तार होते हैं, मीटर सेतु में एक ही
सीधी तार होता है, ठीक, इसमें भी स्केल लगा होता है, इसमें भी स्केल लगा होता है, इसका नाम मीटर ब्रिज है, इसका नाम पोटेंशियोमीटर है। अब थोड़ा इनको रखता हूं और देखो बोर्ड पे जाता हूं। इनके कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बता दिए, मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, मीटर ब्रिज का सिद्धांत, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और बेटा पोटेंशियोमीटर विभव मापी, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये काम करता है नल डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप के सिद्धांत, ठीक। इसमें भी मैं ये लिख सकता हूं कि यह भी शून्य विक्षेप नल डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पर काम करता है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको ये समझाया था कि व्हीट स्टोन में ऐसी काइट जैसी स्ट्रक्चर थी और उसका भी काम करने का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन थी, जो उसकी संतुलन अवस्था थी, वो क्या थी कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो ऊपर का अपॉन नीचे का बराबर होता है, इसके ऊपर का अपॉन इसके नीचे, यानी कि P अपॉन Q किसके बराबर होता है, R अपॉन S के बराबर, ठीक। काम क्या करते हैं वो देखिए, मीटर ब्रिज का काम होता है स्टूडेंट्स अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात, मीटर ब्रिज का काम क्या होता है मेरे बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध को इंग्लिश में अपन कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये किसका काम होता है, मीटर ब्रिज का काम होता है, ठीक। पोटेंशियोमीटर विभव मापी, इसका क्या काम होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझा जा सकता है इसको भी, इसका जैसा नाम वैसा इसका काम, इसका नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल को मेजर करने का काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है। हिंदी मीडियम में नाम क्या है इसका, हिंदी में विभव माप, विभव को मापने का काम करता है, विभवांतर को मापने का काम करता है, ठीक। यानी कि देख लो आपके सामने स्थिति लिखी हुई है, इन स्थिति को ढंग से देख लो, जो मैंने लिखा है ढंग से इसको समझ लो, फिर आगे समझा क्या स्थिति है बेटा। पहली बात, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाला एक प्रैक्टिकल डिवाइस है। मीटर ब्रिज क्या है बेटा, मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, प्रैक्टिकल डिवाइस मतलब होता है प्रायोगिक युक्ति, प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक, डिवाइस मतलब युक्ति, प्रैक्टिकल डिवाइस होता है मीटर ब्रिज, प्रायोगिक युक्ति है मीटर ब्रिज, किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, शून्य विक्षेप सिद्धांत पर काम करता है। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ व्हिच अननोन रेजिस्टेंस। क्या काम है इसका मीटर ब्रिज का, इसका काम है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। आपको एक वायर दिया जाएगा,
और आपसे कहा जाएगा इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, इस वायर का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, हम उस वायर का प्रतिरोध निकालने में मीटर ब्रिज काम में लेंगे। और मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन ब्रिज के, कि उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस। यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये है कि पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस में तीन वैल्यू हमको पता होंगी और चौथा वैल्यू ये उस वायर का होगा जिसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तीन वैल्यू पता होंगी और P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S हम अप्लाई करेंगे और उन तीन वैल्यू को पुट कर देंगे, चौथा वैल्यू जिसको हम सामान्य रूप से S से दर्शाते हैं, S से डिनोट करते हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में, क्या कह रहा हूं मैं। और अगली बात, ये काम कब करता है P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो पे सुई हो, डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए। ठीक, देखिए अब और इस वीडियो में आज जो डिटेल में आपको पूरा समझाऊंगा मैं, वो पहले क्या समझाऊंगा बेटा, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज पहले डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, इसमें मेरा आज का लेक्चर चल जाएगा पूरा कंप्लीट, हो सकता है थोड़ा सा कल का भी चल जाए लेक्चर अपना, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियोमीटर, फिर थोड़ा ये पोटेंशियोमीटर बड़ा टॉपिक है, इसमें विभव का मापन करते हैं ये अपन पढ़ेंगे, पोटेंशियल मेजर करते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का भी अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, वो सीख सीखेंगे। और जब आप दोनों सीख लेंगे तब आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा। ठीक, समझा, देखो ध्यान देना। एक बात और बता देता हूं मैं, देखो चलो पहले इसको खत्म करता हूं पहले, क्योंकि कुछ बेचारे भोले भाले विद्यार्थियों को एक समस्या थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सर कैसे जो है वो आप जो YouTube पे लेक्चर डाल रहे हो वो कैसे क्या करना है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे क्या अपन चला रहे हैं। अपन अपने YouTube पे वीडियो तो बना रहे हैं बेटा 10th क्लास की, किसकी बना रहे हैं 10th क्लास की, एक बना रहे हैं 11th क्लास की और एक बना रहे हैं 12th क्लास की। तो अभी तक तो फिलहाल मैं YouTube पे कौन सी वीडियो बना रहे अपन 10th 11th 12th, ये सबके बच्चों के सुन रहे, सबके लिए फायदे का है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि 12th वाला देख रहा है, उसके जान पहचान में कोई 10th का हो 11th का हो तो उसको इन्फॉर्म कर पाएगा इस बारे में, कोई 10th वाला देख रहा है उसके जान पहचान में कोई 12th वाला होगा उसको वो बता देगा बेटा वहां से पढ़ ले ऐसे करना है, अपने को काम करना है। ठीक, तो सब बच्चे थोड़ा ध्यान सुन ले और जिससे किसी का कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, 10th वाला जो वीडियो है उस 10th वाले में अभी जो है वो मैंने क्या पढ़ाया है, एक तो मैंने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट नाम है उसका, 10th का नाम क्या है उसका, इलेक्ट्रिक करंट, वो मैं पूरा करवा चुका हूं कंप्लीट, उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट मैं पूरा करवा चुका हूं, उसमें कुछ नहीं छोड़ा, तो बच्चे उसको पूरा करें। ठीक, एक बात करता हूं सेकंड, इसमें फूड वाला जो चैप्टर नंबर 1 है, फूड और ह्यूमन हेल्थ, ये चैप्टर अभी रनिंग में है, जिसका एक लेक्चर डाला है और दूसरे का टाइम नहीं मिला वो भी डाल देंगे, जैसे बच्चे पहला देख लेंगे वो भी डाल देंगे, ये कंडीशन है। इस वीडियो को सकता है 10th वाले बच्चे नहीं देख रहे हो क्योंकि 12th का ही तो चल रहा है, तो आप जो बच्चे हैं वो आपके जो नॉन में 10th वाले हैं उनको जरूर बता देना इस बारे में, ताकि वो कंफ्यूज ना हो आराम से टारगेट, तो जब तक बच्चे का टारगेट क्लियर नहीं होता ना तब तक उसको पढ़ने की अंदर से मन में नहीं आएगी। ठीक, और जब उसको पता है ठीक है कोर्स करना है अपने को 2 महीने 3 महीने कोर्स खत्म करना है, सर पढ़ा रहे हैं, अगर हम अब नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पीछे रह जाएंगे, अगर हम अब वीडियो नहीं देखेंगे तो हम अगले साल बाद में देखने पड़ेंगे, तो फिर वो पढ़ता है। ठीक, तो ये तो 10th का नाम खत्म हुआ। 11th में मैंने शुरू किया था न्यू कोर्स शुरू किया था कि जो बच्चा भी 10th से 11th में आता है वो 10th से 11th में आने वाला बच्चा उसको आराम से देख सकता है,
और इसमें हमने शुरू शुरू में पहले समझाया है कि भी कैसे क्या पढ़ना है, इसके लिए इंट्रोडक्शन का वीडियो है, और फिर इसमें अपन ने यूनिट डायमेंशन मात्रक विमा वाला चैप्टर शुरू रखा था, जो भी थोड़ा सा लेक्चर डाले थे उसका भी थोड़ा अभी टाइम नहीं मिला तो डाल नहीं पा रहे हैं, वो भी करेंगे आगे। ट्वेल्थ की बात करता हूँ, ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है, क्वेश्चन वोश्चन सब करवा दिया, नोट्स वोट सब काम हो गया, कुछ नहीं बच रहा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो रनिंग में है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी होती है, उसमें से बच्चा आराम से पढ़ सकता है, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, ठीक। एक तो ये वाली कहानी हुई, एक साथ में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये था इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो भी अपन डाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो में तो ऐसा है बेटा कि देखो जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, जो नए नए ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, तो वो तो उसको देखना, उसको तो कंप्लीट देखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है मीडियम में, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ रखा है नोट्स बना रखे हैं, वो दोबारा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, उनको दोबारा है नोट्स बनाने की जरूरत उसकी नहीं है, फिर वो उसको देखे रिवीजन उनका होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी वो अपना कोर्स आगे बढ़ाते जाएं, खुद का टारगेट खुद फिक्स करें और पढ़ते जाएं, ठीक। एक बीच में साथ में इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चला रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली तो है बेटा 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, स्पेशली इसके लिए ये 12th वालों के लिए, लेकिन इसको इस तरह से करवाया जा रहा है कि 10th वाला और 11th वाला बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट करके इसको पढ़ सकता है, ठीक, क्योंकि ये कंप्लीट ऐसी ब्रांच है जिसको सब सीख सकते हैं, 10th वाला भी पढ़ता है उसको 12th में दिक्कत नहीं है, 12th वाले को तो पढ़ना ही है, 11th वाला पढ़े तो उसका बेनिफिट बेनिफिट है, अगले साल थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी उसको, पढ़ सकता है अभी, पढ़ ले पूरा सीरियस करके पढ़े तो फायदा हो जाए, 12th की केमिस्ट्री अभी हो जाए, 10th वाला जो है वो अपना पढ़ सकता है, एंजॉय करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकता है, समझ में आ रही है, नहीं आए तो अपन बैठे हैं समझाने के लिए, ये शेड्यूल है, कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, हालांकि अभी बीच लेक्चर में बताया है तो सबको पता नहीं चल पाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस बारे में सूचित करने की कोशिश करें कि सब तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि हो सकता है बच्चे मीटर बीस चक्कर में, हमको तो मीटर बीस पढ़ रहा है सर, हम 10th वाले क्यों पढ़े इसको, तो उनको ये पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन बताइए, तो यह बताएं, मतलब जो भी देख रहा है वो 10th 11th 12th तक से सब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंचनी चाहिए, अपना एक ड्यूटी बनती है अपनी, इसको अपन करें, ठीक। अब फर्स्ट नंबर पे बात कर रहा हूं कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूं मीटर ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, मीटर सेतु, ये सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक। अब मीटर सेतु में गाड़ी क्या होती है देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं इस विभवांतर को, इस विभव मापी को तो यहां से हटा देता हूं, फिर आगे जो है वो बताना शुरू करता हूं, उसको तो डाल देता हूं पहले, ठीक। देखो क्या इसकी संरचना है, ध्यान समझना, ये दिख रहा है लगभग लगभग, इसके बारे में क्या क्या बता दिया मैंने, अरे क्या क्या बता दिया वो लिखता हूं पहले, सब उनको पता ही नहीं चले, बच्चों को पता ही नहीं पढ़ना है, देखो ध्यान देना बता दूंगा, तो बता दिया। सबसे पहली बात, मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड प्रैक्टिकल डिवाइस है, ये पहली बात, मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित
प्रायोगिक युक्ति है, ठीक, क्या काम करती है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने का काम करती है, अज्ञात प्रतिरोध, तार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका प्रतिरोध निकालो और हम इसकी सहायता से उसका R का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। प्रिंसिपल क्या है इसका, सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये काम करता है, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस के कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है, ठीक। इतनी बात ध्यान रहेगी, बोलो, बीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड डिवाइस है, प्रैक्टिकल डिवाइस है, अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू निकालने में काम आता है और प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये काम करता है, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस में पर काम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक हो जाएगा, नहीं तो आगे देखिए। अब बताता हूं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन संरचना के बारे में, ध्यान देना बेटा। अब देखो आप इसको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को क्या क्या खेल है इसमें, एक तो इसमें नीचे की तरफ आपको बच्चों दिख रहा है स्केल, नीचे इसमें क्या होता है, यहां पे ये स्केल होता है, स्केल मैंने बताया था कितनी लेंथ का होता है ये स्केल होता है 1 मीटर लंबाई, कितनी होती है लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लेंथ का ये होता है, इस पर एक वायर लगा होता है, इस पर क्या लगा होता है, एक वायर लगा होता है, पहली बात तो ये क्या है, पहली बात एक वायर होता है इसमें, इस वायर की लंबाई, इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा 1 मीटर, ठीक, स्केल पर लगा होता है ये, स्केल कितना होता है 1 मीटर में होता है, ये वायर बना किसका होता है, ध्यान से समझना, ये वायर बना होता है बेटा मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका, हिंदी में ये बोलते हैं इसको मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका एलोय, मिश्र धातु का ये बना हुआ होता है। इसके बारे में एक चीज आपको पहले भी सिखाई थी, मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने कार्बन कलर कोड के ऊपर, और उस कार्बन कलर कोड में हमने सिखा रखा है ये कि भी इसका कि वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस तार आबद्ध प्रतिरोध के बारे में फिर था कि ये ऐसी मटेरियल होती हैं जिनके लिए, ये ऐसी मटेरियल होती हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, अल्फा वेरी लो, बहुत कम होता है, बहुत कम। अल्फा क्या होता है याद है किसी को, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था अल्फा, अल्फा क्या होता है, अल्फा का हिंदी मतलब होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, क्या होता है हिंदी मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशियंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अब अल्फा बहुत कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि ये जो मीटर ब्रिज में वायर होता है, ये जो मीटर ब्रिज का वायर होता है, इस वायर की खास बात क्या होती है कि ये वायर मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का बना होता है, और ये इन्हीं का क्यों बना होता है, किसी अदर मटेरियल का बना क्यों नहीं होता, तो कारण ये है कि इनके लिए अल्फा बहुत कम होता है, और अल्फा बहुत कम होने से जब इस वायर का
टेम्परेचर बदलेगा तो इसका आर, इसका प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और हमको यहां एक ऐसा वायर चाहिए जिसमें हम पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस लगाएंगे तो वो जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वैल्यू? सेम। इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यहां का रेजिस्टेंस अलग, यहां का अलग, कहीं का अलग, कहीं का अलग। तो ध्यान रखना, पहली बात, मीटर बीच में जो वायर होता है वो वायर मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का बना होता है, क्योंकि उसके लिए अल्फा बहुत कम होता है। अल्फा बहुत कम होने से इसका आर, इसका प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। सीधी सी बात, हमें इसमें एक ऐसा तार काम में लेना है जो कि जिसका आर, जिसका प्रतिरोध फिक्स होना चाहिए। जिसका प्रतिरोध होना चाहिए बेटा, फिक्स होना चाहिए। और फिक्स कब होगा? प्रतिरोध आर, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा लेंथ पर, टेम्परेचर पर, एरिया पर, नेचर पर। पढ़ाया हमने आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लंबाई पर, लेंथ पर, टेम्परेचर तापमान पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, नेचर प्रकृति पर। ठीक, ये वायर पूरा एक ही मेटेरियल का बना हुआ, या तो मैग्नीन का होगा, या कॉन्स्टेंटन का होगा, या यूरेका का होगा। इनका होने से टेम्परेचर वाली टेंशन खत्म, कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई उसकी। लेंथ फिक्स कर दी 1 मीटर, टेंशन खत्म, लेंथ नहीं बदलेगी, लंबाई नहीं बदलेगी, आर वही रहेगा। नेचर फिक्स कर दी, इनमें से एक का ले लिया, टेंशन खत्म। एरिया फिक्स कर दिया। ध्यान रखना, ये वायर ऐसा होता है जिसका एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है, फिक्स होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निश्चित होती है, एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि वायर में वायर यहां से मोटा, यहां से बदला, मोटा बदला हो, सेम चौड़ाई का, सेम एरिया का होता है। आई बात समझ में? ये पहली बात बताई बेटा मैंने। देख लो क्या क्या वायर बताई। पहली बात क्या बताई अपन ने? पहली बात बताई, देख लो फटाफट बोल देता हूं, मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर लंबाई का एक वायर होता है। ये वायर स्केल पर लगा होता है, कसा हुआ होता है। इस वायर का वो मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका एलोय मिश्र धातु से बनाया जाता है, क्योंकि इन पदार्थों के लिए, इन मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। लेंथ 1 मीटर रखते हैं, नेचर फिक्स रखते हैं, और इस वायर की थिकनेस, इसका मोटाई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी फिक्स रहता है। ठीक, ये दो बात पहले लिखेंगे सब बच्चे, लिखो नोट्स बनाओ। अब नोट्स बनाते हैं किस तरह बनाते हैं बता दो, ध्यान देना नोट्स किस तरह बनाते चलने हैं वो सीखना। अब सबसे पहले दोनों मीडियम के बच्चे हेडिंग डालिए, सबसे पहले दोनों मीडियम के बच्चे हेडिंग डालिए मीटर ब्रिज मीटर सेतु। दोनों मीडियम के बच्चे हेडिंग डालिए मीटर ब्रिज मीटर सेतु। ठीक, फटाफट डालो हेडिंग दोनों मीडियम के बच्चे मीटर ब्रिज मीटर सेतु। अब इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, अब इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित। फटाफट लिख देता हूं मैं, लिख लो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु पर, मार्कर रुक गया, पर आधारित एक प्रायोगिक
युक्ति है, इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। ये लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो हिंदी में लिखो फटाफट। मीटर सेतु एक अपने पास में ऐसी डिवाइस होती है जो बेटा किस पर वर्क करती है, अज्ञात प्रतिरोध का मान का करने में काम आती है। हिंदी में मेरा बच्चा क्वेश्चन लिख लो, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल डिवाइस बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये लिखो बड़ा, आप तो रहना कैमरे में, मैं देखता हूँ पानी कट तो नहीं रहा ना, कि कट रहा हो तो नहीं है, कट रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं घुमा देता हूँ, ये लो दिख गया, वापिस कर देता हूँ, ये लो, ये इसकी बात हुई, ठीक है बेटा। अरे ठीक है, लिख लिया इतना सबने, आगे बढ़ते हैं। सेकंड बात क्या लिखेंगे, सेकंड बात सब बच्चे हेडिंग डालिए, सेकंड बात सभी बच्चे हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का सिद्धांत। और फटाफट लिखो इसमें एक बार, हिंदी में लिखो, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अतः चित्रानुसार लिखो इंग्लिश मीडियम, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, देन अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम बनाओ इस तरह से, चार होते हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4, पी क्यू आर एस, ये गैल्वेनोमीटर होता है, और यहाँ पे सेल बैटरी लगा दिया अपन ने, और फिर लिख देंगे अपन इसमें, इसको बंद किया और फिर लिख देंगे अपन इसमें बैलेंस्ड कंडीशन संतुलन अवस्था, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस। इतना लिखो फटाफट सब बच्चे, इतना लिख लो फटाफट सब बच्चे। फिर हेडिंग डालेंगे, कर लिया ना, वीडियो पोस्ट कर लेना। फिर हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन संरचना, मीटर सेतु की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, ये हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर सेतु की संरचना।
डालो हेडिंग का, लिखो इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे, लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, लिखिए मीटर सेतु में, मीटर सेतु में एक समान अनुप्रस्थ काट, मीटर सेतु में एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक तार होता है, एक तार तार होता है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई एक मीटर होती है, जिसकी लंबाई एक मीटर, जिसकी लंबाई एक मीटर होती है, जिसकी लंबाई एक मीटर होती है, यह तार मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका, इस तरह लिखते हैं, लिख लो, यह तार मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन यूरेका आदि का बना होता है, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका आदि का बना होता है, क्योंकि इन पदार्थों के लिए, क्योंकि इन पदार्थों के लिए, क्योंकि इन पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, इन पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान अति अल्प होता है, का मान अति अल्प होता है, का मान अति अल्प होता है, इससे इससे ताप परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में अल्प परिवर्तन होता है, अर्थात प्रतिरोध लगभग नियत रहता है, अर्थात प्रतिरोध लगभग नियत रहता है, अर्थात प्रतिरोध लगभग नियत रहता है, ठीक है बात, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हेडिंग डाल देना कंस्ट्रक्शन में, इसमें लिखना, अरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक लाइन में लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले लाइन में लिख लेना, यह तार एक स्केल पर, देखो यह तार एक स्केल पर, यह तार एक स्केल पर लगा होता है, एक स्केल पर लगा होता है, लिखिए इंग्लिश में, लिखो मीटर ब्रिज कंसिस्ट ए वायर, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ए वायर ऑफ वन मीटर लेंथ, ए वायर ऑफ वन मीटर लेंथ एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वायर इज मेड अप ऑफ, दिस वायर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका एक्सेट्रा, दिस वायर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका एक्सेट्रा, बिकॉज टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशियंट, बिकॉज टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशियंट अल्फा इज
वेरी लेस फॉर दीज मटेरियल्स, इज वेरी लेस फॉर दीज मटेरियल्स, वेरी लेस फॉर दीज मटेरियल्स। So resistance of wire remains constant with respect to temperature, remains constant with respect to temperature। ठीक, आगे की बात करते हैं। एक लाइन और लिख लो क्वेश्चन वाले बच्चे, this wire is stretched along a scale। ठीक है, बात लिख लिया इतना, अरे लिख लिया इतना, अब देखते हैं आगे। देखो भी, ये तो कहानी समझाई मैंने आपको इस वायर की, इसके लिए अब समझा रहा हूं। इसमें तीन होती है कॉपर की स्ट्रिप, कॉपर की पत्ती, मेटल स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप, धातु पत्ती, कॉपर पत्ती। देखो तीन कौन कौन सी बताता हूं। देखो एक तो देखी होगी ये वाली, आपने ये ग्रेनी वाली जो इसको पकड़ के हिला दिया मैंने, ये ऐसे की होती है, ये एक तो ये होती है और एक इधर भी होगी। देखो ऐसी ये दो, एक ये तीन, अरे पहली दिखा रहा हूं, देखो पहली ये पूरी पहली है ये और ये यहां से शुरू और ऐसे ये टूट गई है, अरे टूट गई है, हिल गई यहां से, ये यहां से ऐसे, एल से कौन सी से एल, उल्टा एल बने, ऐसे 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 ऐसे, और वो भी देखो ऐसे ऐसे, और बीच में तीन होती है, कितनी होती है तीन, बना ही खाता हूं, देखो बना ही खाता हूं, अरे मैं बना के दिखाता हूं, अरे देखो इस तरह से एक दो थोड़ा इधर ले लेता हूं उधर, नहीं तो डायग्राम जो है वो कट जाएगा, कैमरे से बाहर चला जाएगा अपने मोबाइल से। देखो एक तो होती है यहां पर इस तरह से, दूसरी होती है यहां पर ठीक, और तीसरी होती है यहां पर, तीन होती है कॉपर स्ट्रिप, इसको लिखता हूं ए बी और सी इस तरह। देखो डायग्राम, डायग्राम ढंग से देख लो रे बच्चों, ऐसे करता हूं, इसको लिख देता हूं सी, इसको लिख देता हूं बी, इनको बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप, तांबे की पत्तियां, तांबे की पत्तियां, पत्नियां नहीं पत्तियां ठीक, तांबे की, मेटल धातु की भी लिख सकते हैं, तांबे की तीन, एल आकृति की तीन होती है ये, एल ये एल सिंपल से तीन, चित्र में देख लो और इसमें देख लो, बता रहा हूं बता, इसमें एक तो ये यहां से शुरू और देखो ये ऐसे और ये ऐसे बुल्ट कसे हुए हैं, बुल्ट कसे हुए ना, एक ये बीच में ये एक ये तीन होती है। लिखो हिंदी मीडियम में, लिखो इसी में समझना पड़ता है, लिखो मीटर से तुम्हें, मीटर से तुम्हें, मीटर से तुम्हें तांबे की, मीटर से तुम्हें तांबे की तीन, तांबे की तीन पत्तियां,
तांबे की तीन पत्तियां ए बी व सी होती हैं, तांबे की तीन पत्तियां ए बी व सी होती हैं, ए बी व सी होती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, लिखो इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखो, थ्री टी एच आर डबल ई, सही लिखना बेटा, गलत मत लिखना, थ्री टी एच आर डबल ई, थ्री कॉपर स्ट्रिप्स, थ्री कॉपर स्ट्रिप्स, थ्री कॉपर स्ट्रिप्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ऑफ मेटल, या कॉपर लिखा, थ्री कॉपर स्ट्रिप्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ठीक, अब देखो ये जो स्केल होता है ना बेटा, स्केल ये जो वायर होता है, देखो ये पहली पत्ती ये दूसरी बोरी ये तार जो होता है, तार ये तार फंसा होता है इस वाली पत्ती के बीच में, इसका नाम लिखा है ए, उसका लिखा है सी, तो ए और सी के बीच में तार लगा हुआ होता है, ए और सी के बीच में क्या लगा हुआ होता है, तार, ये ए और बी है ना, बी क्या लिखा है, सी ए और बी, तो ए और बी के बीच में इस तरह से ये तार लगा होता है स्केल के ऊपर, ये तार क्या था, ये तार लगा होता है इस पे स्केल पर, लिखो इंग्लिश में बच्चे को, ए ए वन मीटर लेंथ वायर, 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 ये कौन सा तार बेटा, अरे ये वही तार है जो अपन ने कहा था ना, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरे का इनका बना हुआ होता है, ठीक है ना, तो ये वही तार है, ठीक, ए वन मीटर लेंथ वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। हिंदी में बच्चे लिखो, एक मीटर लंबाई का तार ए तथा बी के मध्य क्षेत्रानुसार लगा होता है, एक मीटर लंबाई का तार ए तथा बी के मध्य क्षेत्रानुसार लगा होता है। ठीक, ये मैंने आपको ये पूरा सुना दिया, और ये तीनों चीज होती है लकड़ी के बॉक्स पर इस तरह से, देखो ये मैंने पूरा बना दिया, ठीक, ये कॉपर स्ट्रिप उल्टा लग गया, अरे ऐसे होता है, अरे अरे देखो ऐसे होता है, ये स्केल ये वायर, इसमें ये स्केल ये वायर, ये पहली कॉपर स्ट्रिप, ये पहली कॉपर स्ट्रिप, ये बीच वाली, ये बीच वाली, ये लास्ट वाली, ये लास्ट वाली, ठीक, इसको तो ये पकड़ने वाला भी होना चाहिए, ये तो हो गई ए, ये सी, ये बी, ये वायर, ठीक, ये खाली मीटर ब्रिज है, अब कैसे इसमें कनेक्शन जुड़ते हैं उसकी बात करते हैं, कैसे कनेक्शन जुड़ेगा इसमें, अरे इसका कंपेयर होगा ना इसके साथ, ऐसे ये जो अपन बनाते हैं, दिख तो रहा होगा कैमरे में साइड में, देख बहुत थोड़ी देर बाद, ये जो अपन बनाते हैं इसके साथ इसका कंपेयर होगा बेटा, पी क्यू आर एस, इससे कंपेयर होगा इसका, ठीक है ना, देखो समझना क्या था, इस ए और सी के बीच में लगा होता है बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, ए और सी के बीच में क्या लगा होता है बेटा, एक आर बी, आर बी मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, ए और सी के बीच में क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स क्या करता है, ये प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है
जो जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम अपने मन में आए जो वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार कैमरा देख लूं, बेटा चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में। चल रहा है कैमरा? ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है क्या होता है बेटा, ये अपने पास में ऐसा बॉक्स होता है जिसकी हेल्प से, जिसको अपन ने कहा था ना पहले वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हमने पहले कहा था वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, वो जो ये आर था वो ये है, जिसकी हेल्प से मन में आए जो वैल्यू निकाल लो। आपको पता होंगी कितनी आपने लगाई है, ठीक है ना, याद करती हो, इसको लिखते हैं आर से, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है बात, आर हो गया ये, ठीक। इस बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में उस तार को लगाया जाता है जिसका प्रतिरोध हमको निकालना होता है। यहां पे बी और सी के बीच में उस तार को, एस, एस का मतलब लिख रहा हूं मैं अज्ञात प्रतिरोध, बी और सी के बीच में बेटा उस तार को अपन लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमको क्या करना होता है, निकालना होता है। अरे ये बात समझ में, अरे अरे बात समझ में, दिखाता हूं मैं, देखो हमने लगा रखा है, देखो ये लगा रखा बी और सी के बीच लगा रखा, लगा रखा था, दिख रहा था, दिख रहा क्या था, ये था, ये रहा, ऐसा था ना प्रतिरोध का, ठीक है ना। और देखते हैं आगे, तो एक तो ये लिखेंगे पहले कि ए और सी के बीच में क्या लगा होता है, आर बी, और बी और सी के बीच में एस। एस क्या है, ये वो प्रतिरोध है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये वो है जिसकी हेल्प से हम कोई भी एक वैल्यू पाते हैं ना, तीन बचते हैं पी अपॉन क्यू, तीन बचते हैं तो पी क्यू और आर, वो आर है परिवर्तित प्रतिरोध, मन में जो वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना, पता लिखो, इतना लिखते हैं, लिखो इंग्लिश में लिखो, ए रेजिस्टेंस बॉक्स, ए रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, ए रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, and a unknown resistance, and a unknown resistance s is connected between b and c, is connected between b and c, hindi mein bhi likho, ek pratirodh box a aur c ke madhye juda hota hai, ek pratirodh box a aur c ke madhye juda hota hai, aur ek agyat pratirodh s, एक अज्ञात प्रतिरोध S B और C के मध्य जुड़ा होता है, लिख लिया इतना। अब आगे देखते हैं, देखो R और S दिखा दिया, दिखाऊंगा बेटा P और Q, दिखाऊंगा P और Q और गैलेनियम को दिखाऊंगा, यहां पे बीच में एक पॉइंट होता है बेटा, इससे जुड़ा होता है गैलेनियम, इस C के C वाली स्ट्रिप है, C वाली, देखो ये बीच में जो सी वाली है, इस सी वाली के बीच में ये बुल्ट दिख रहा है आपको, इस बुल्ट से जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर, जुड़ा होता है एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, ठीक। गैल्वेनोमीटर में पता है आपको, गैल्वेनोमीटर में एक्स्ट्रा गैल्वेनोमीटर होता है, दो तार होते हैं उसमें, एक से सी जुड़ जाएगा ये, और इस गैल्वेनोमीटर से तार निकलता है बेटा, और ये जुड़ा होता है इस जे से, ध्यान समझना बेटा, सी से जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर, ध्यान से समझना, सी से जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है जे, इस जे को बोलते हैं बेटा अपन जोकी, जे को क्या बोलते हैं, जोकी, जोकी को हिंदी में कहते हैं विसर्पी कुंजी, जे को क्या बोलते हैं, जोकी, क्या बोलते हैं जे को, जोकी, जोकी मतलब विसर्पी कुंजी, क्या होती है ये पैन जैसी होती है, ऐसी होती है ये पैन जैसी, इसको अपन यहां पे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ये बात समझ में। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आपको कि सी से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और गैल्वेनोमीटर से एक जोकी जुड़ी होती है और इस जोकी को इस तार पर, इस वायर पर हम स्लाइड कर सकते हैं, कैसे स्लाइड कर सकते हैं, विसर्पी कुंजी, विसर्पी गति करवा सकते हैं। ये मैं क्या समझा रहा हूं, ये मैं कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं, फिर समझाऊंगा वर्किंग, ठीक है। लिखो लिखो, सी से सी से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, धारा मापी, धारा मापी, सी से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है तथा गैल्वेनोमीटर से एक विसर्पी कुंजी जुड़ी होती है,
तथा गैल्वेनोमीटर से एक विशर्दी पूंजी जे जे जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, जिसे जिसे एक मीटर लंबे तार पर जिसे एक मीटर लंबे तार पर सर्पी गति करवाया जा सकता है, सर्पी गति करवाया जा सकता है। लिखिए इंग्लिश में हमारे बच्चे, ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद सी एंड ए जोकी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एंड ए जोकी जे इज ऑल्सो कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड दिस जोकी कैन स्लाइड ऑन द वायर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बैटरी की, कि एक बैटरी लगी होती है इसमें, उस बैटरी के अपने करते हैं बेटा बात करते हैं। देखो ध्यान समझाता हूं, अपन लिख देंगे कि ये प्योर क्या यहां जुड़ाता है, एक की जुड़ी होती है, एक सेल बैटरी जुड़ी होती है और एक रियल स्टेट जुड़ा होता है, रियल स्टेट इस तरह से। चलिए इसको आगे तक बढ़ा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, रियल स्टेट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाने तो बढ़िया है। ये चीज होती है कि फिर ए और बी स्ट्रिप क्या क्या लगा कैसे लगाता है, एक सेल सॉरी एक कुंजी, एक की, एक बैटरी और एक रियल स्टेट। लिखो ये बात, करंट, अरे करंट डालेंगे ना, करंट इसमें तो बैटरी लगाएंगे और ये इसको लगा दिया करंट कंट्रोल करने, करंट कंट्रोलर धारा नियंत्रक और ये स्विच ऑन की लगा दी। लिखो चित्रानुसार एक कुंजी, एक बैटरी तथा एक धारा नियंत्रक भी लगा होता है, चित्रानुसार एक कुंजी, एक बैटरी तथा एक धारा नियंत्रक भी लगा होता है, एक कुंजी, एक बैटरी तथा एक धारा नियंत्रक भी लगा होता है, एक धारा नियंत्रक भी लगा होता है। अतः चित्रानुसार अब आप क्या करेंगे बेटा, ये डायग्राम दोनों चित्र बना लो, दोनों बनाओ फटाफट, ये दोनों बना लो, भी बनाओ दोनों, ये गिर गई वाली बनाओ दोनों, बनाओ फिर बढ़ते हैं आगे फटाफट बनाओ। वीडियो पोस्ट कर देना, फिर बना लेना, मैं बढ़ रहा हूं आगे, अब बताऊंगा वर्किंग, क्या बताऊंगा अब वर्किंग, बना लिया ने दोनों बना लिया ना वर्किंग, इसको मैं डाल, ये बनाना था दोनों बनाने थे फिर डाल। देखो वर्किंग क्या है बेटा, वर्किंग ये है, हम इस की को बंद करते हैं, इसमें करंट आता है, गैल्वेनोमीटर की सुई हिलती है, इस जोकी को यहां पे ऐसे चलाते हैं और जोकी को चला के मतलब यहां से चलाना शुरू करते हैं और ऐसे चलाते हैं और चला के यहां एक ऐसा पॉइंट देख लेते हैं कि उस पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो, विक्षेप जीरो हो। समझ रहे हो बात, ध्यान समझना, ध्यान समझो, जब आप इस कुंजी को बंद करोगे तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट आएगा और करंट आएगा तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी। अगर आपको चेक करना है कि आपकी मशीन सही है तो आप इसको चेक कैसे करोगे, आप इस जोकी को, ये जोकी है, इस जोकी को आप कहीं भी लगा सकते हो चला चला के ऐसे, इस जोकी को पहले यहां टच कराओ फिर यहां टच कराओ, अगर आपको चेक करना है कि ये मशीन सही है तो इस जोकी को पहले एक कोने पर टच कराओ फिर दूसरे कोने पर टच कराओ, अगर आप इसको इन दोनों कोनों पे टच कराते हो और एक कोने पर टच कराने पे इसकी सुई उधर हिलती है और इस कोने पर टच कराने पे इसकी सुई इधर हिलती है, मतलब दोनों कोनों पर टच कराने पर इसकी सुई अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, इसका मतलब आपकी मशीन सही है नहीं तो गलत है। आ रही है बात समझ में, एक दोनों कोनों पर टच कराओ,
उस पे और इस पे, और सुई एक बार उधर गई तो इस पे इधर आनी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब मशीन सही है। और समझते हैं, समझ में आ गया बेटा, कैसे चेक करते हैं मशीन सही है कि नहीं है। इस जोकी को एक बार लगाते हैं, इसे घुमा के ले जाते हैं। एक जोकी होती है पेन की जैसी, जो कैसे होती है, पहले से मान लो ये पेन है मेरा, मार्कर है, ये मार्कर ही जोकी होगी। इस पे यहाँ पे तार बंधा हुआ होगा और तार जुड़ रहा होगा गैलोमीटर में, ठीक। अब इस जोकी को क्या करूंगा मैं, टच करूंगा ऐसे, हाथ पड़ रहे थे साइड पड़ रहे थे, इसको उठाऊंगा, कभी यहाँ टच कराऊंगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कंफ्यूज मत, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है। पेन पिछवाड़ा, इसका पीछे का हिस्सा जुड़ा होता है तार से, तार जुड़ा होता है गैलोमीटर से, ये जुड़ा होता है यहाँ पर। इस पेन को, इस जोकी को, इस पूरे वायर पे यहां से लेके यहां तक ऐसे टच, कभी यहां कभी यहां, एक बार यहां टच कराऊंगा और इसको देखूंगा कि सुई किधर गई। अगर मान लो सुई उधर गई तो सब इधर लगाओ, इधर नीचे। अगर यहां लगाने पर सुई उधर हिली तो अब इधर नीचे इधर, तब सही है। और मान लो यहां लगाया तब भी उधर हिली, और यहां लगाया तब भी उधर हिली, तो गलत है, या इसके अलावा भी तो गलत है। सही तो केवल तब है जब इधर लगाया तो उधर हिली, इधर लगाया तो इधर हिली, तब सही है। ये क्या है, जोकी, जिसको कहीं रख सकता, ठीक। फिर क्या करूंगा बेटा मैं, फिर इस जोकी को यहां पे ऐसे चलाऊंगा और चेक करूंगा कि ऐसा पॉइंट पे टच कराऊंगा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा कि जिस पर इसको जोकी को रखने पर इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए। एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा कि जहां पर जोकी को रखने पर गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आए, जीरो, कितना डिफ्लेक्शन आए, जीरो, ठीक। और उस पॉइंट पे देखूंगा, उस पॉइंट को मान लो ये पॉइंट वो है, मान लो ये वही पॉइंट है जहां इसमें, अरे समझ में आ रही है बात, जोकी का काम क्या है, जोकी को हिला सकते हैं इसे, और हिलाओ, और हिला के इस तार पे ले जाके ऐसा पॉइंट ढूंढो, इसको ऐसे हिला के जाओ, और आप, आपका हाथ जोकी पर होगा, जोकी को आप हाथ से चला रहे होंगे, और आपकी आंखें इस गैल्वेनोमीटर पे होंगी, और जहां पर ही मैं जब मैं यहां पे था सुई इधर थी, मतलब सुई चल रही चल रही चल रही है, और मैं ऐसा पॉइंट ढूंढ लूंगा जहां पर इसकी सुई बिल्कुल बीच में जीरो पे आ जाए, और वो पॉइंट देख के, ये तो स्केल लगा होता है स्केल, मैं यहां पे लेंथ देखूं कितनी लेंथ है। मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट मान लो क्या है बेटा, पी। अगर मान लो यदि इफ ये जो पी है, ये पी मान लो है बैलेंसिंग पॉइंट, यदि इफ मतलब होता है यदि, पी मतलब पी, और पी क्या है बेटा, संतुलन बिंदु। यदि P क्या है बेटा, संतुलन बिंदु, ध्यान समझना, मैंने इसको टच कराया, घुमाया, और मान लो P क्या आया, संतुलन बिंदु। तो इस P की, इस यहां से जो दूरी होती है L, इस L को अपन कहते हैं फिर बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं इस L को, बैलेंसिंग लेंथ, यानी कि संतुलन लंबाई। क्या बोलते हैं स्क्वायर को, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलन लंबाई, ठीक है बात। अब बताओ ये एल है, ये कितनी होगी, अरे ये पूरी 100 सेंटीमीटर की है, ये पूरी कितनी है, ये पूरा तार कितना है 100 सेंटीमीटर का, अरे था या नहीं था, तो ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, ये एल का है, ये कितना होगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, किसमें ले रहा हूं सेंटीमीटर, किसमें ले रहा हूं सेंटीमीटर, ये एल, ये 100 माइनस एल, आई बात समझ में, अरे बोलो, ठीक है बात। आप हेडिंग डाल देना वर्किंग, हेडिंग डालो वर्किंग, क्रियाविधि लिखो, इसमें हिंदी मीडियम लिख लो, यदि प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R है, यदि प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R है, तब हम जोकी को, तब हम जोकी को, जोकी मतलब लिख लो विसर्जी कुंजी, तब हम जोकी को, विसर्जी कुंजी को, जे को बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, ये रहा बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक, नहीं ऐसे लिखो, जोकी को, विसर्जी कुंजी को, बिंदु ए व बिंदु बी, अरे काटो, सही लिखो, सही लिखो बेटा,
बिंदु ए और बिंदु बी पर क्रमशः रखते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी पर क्रमशः रखते हैं, क्रमशः रखते हैं, तब 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 कुंजी के बंद होने पर, कुंजी के बंद होने पर बिंदु ए व बी के लिए, बिंदु ए व बिंदु बी के लिए धारा मापी में विक्षेप परस्पर विपरीत दिशाओं में आना चाहिए, यदि धारा मापी में विक्षेप समान दिशाओं में प्राप्त होता है, तब हम प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध का वह मान लागू करते हैं जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप विपरीत प्राप्त हो, विपरीत प्राप्त हो। इसके बाद हम विसर्पी कुंजी की सहायता से तार पर ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारा मापी में शून्य विक्षेप हो। शून्य विक्षेप हो तब चित्रानुसार हिंदी मीडियम में लिख लिया हिंदी मीडियम में चित्र बनाओ, इतने में इंग्लिश में लिखो इसमें लिखना After close the key K. We put the jockey at point A and at point B respectively. Then galvanometer deflection should be opposite respectively. If deflection is same, then we change the value of resistance box until galvanometer shows deflection in opposite direction. Galvanometer shows deflection in opposite direction.
आफ्टर इट वी स्लाइड जोकी ओवर द वायर and find a point for which deflection in galvanometer is zero. Then according to figure. हाँ भी डायग्राम बनाने में कुछ समझ है. अब देखो ध्यान से डायग्राम बना लेना. ये लो मैं क्या डायग्राम बना लेना. पोज करती है लेकिन समझ लो पहले. समझो ध्यान से. दोनों मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें. लैंग्वेज लिखा दी उसके बाद समझना. लैंग्वेज के बाद की खड़ी समझना क्या है. मैंने ये लिखवाया आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इस की को बंद करते हैं. इस की को ध्यान समझना, पूरा समझा दूंगा. सबसे पहले हम इस की को बंद करते हैं. की को बंद करने से क्या हो, कैमरा चल रहा है ना. अरे कैमरा चल रहा है ना, कैमरा बंद होता है मैं सिर्फ बोलता हूं चल रहा है. ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इस की को बंद करते हैं. और की को बंद करने के बाद हम देखते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं. करंट आएगा, ठीक है, करंट आएगा. फिर हम क्या करते हैं, जो की को पहले लगाते हैं ए पर, फिर लगाते हैं बी पर. पहले जो की चलाते हैं ए पर, फिर बी पर, फिर देखते हैं इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसे आया. मैंने बताया कैसे आना चाहिए, अपोजिट, एक बार उधर तो एक बार इधर, अपोजिट आना चाहिए आपस में, ठीक. अगर मान लो सेम आया तो हम क्या करते हैं, तो हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू, मैंने कहा था ये एक ऐसा बॉक्स है जिससे आप बार बार वैल्यू चेंज कर सकते हो, बार बार वैल्यू चेंज कर सकते हो. फिर आप यहां से एक ऐसी वैल्यू लेके आओ कि डिफ्लेक्शन अलग अलग आए. डिफ्लेक्शन क्या है, अलग अलग आए. अही बात समझ में, अरे अही बात समझ में, ठीक. उसके बाद इसको चलाओ और चला के एक ऐसा पॉइंट देखो, एक ऐसा पॉइंट देखो जिसके लिए डिफ्लेक्शन कितना आना चाहिए इसमें, जीरो, ठीक. फिर डायग्राम बन गया. आगे अगली बात समझ में. अरे दो बात, पहली बात चेक करना मशीन सही है. कैसे चेक कर रहे हैं, जो की को ए और बी पर लगा के चेक कर रहे हैं. ए और बी पर लगाओ और सुई को देखो. अगर ए पर लगाने पर सुई इधर आती है तो बी पर लगाने पर सुई उधर जानी चाहिए. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इससे ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि डिफ्लेक्शन अपोजिट आए. उसके बाद हम इस जो की को चला करके जीरो डिफ्लेक्शन वाला बिंदु पॉइंट ढूंढ लेते हैं. फिर लेंथ, अगर ये लेंथ एल है तो पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर, अरे एक मीटर थी ना, सेंटीमीटर बदल दिया, 100 सेंटीमीटर है. तो ये एल कितनी होगी, 100 माइनस एल. आई बात समझ में, ठीक. मीटर मतलब 1 माइनस एल मीटर में, अब मीटर सेंटीमीटर में 100 माइनस एल. क्लियर है बात. और फिर ये जो लेंथ होती है इस एल को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलन लंबाई. अब आगे ध्यान से देखना, ये है आर, ये है एस, ये है. अब देखो ये जो लेंथ होगी ना, ये इस बिंदु को आपने, इसको मैं डी लिख रहा हूं बेटा, कह रहा हूं इस बिंदु को मैं डी. डी मतलब बैलेंस पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि देखो मैंने कहा कि ये जो एडी है ना, एडी, इस एडी का रेजिस्टेंस देखो, उसका रेजिस्टेंस कितना है. अब देखो क्या करूंगा मैं, जब इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है तो वो अपॉन ये इक्वल वो अपॉन वो कर दो, वो अपॉन ये इक्वल वो अपॉन ये, ठीक. कैसे करोगे, या फिर अब देख लोगे, ध्यान देना PQRS कर देना, PQRS तो एक तो कितना है R, एक कितना है S, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, AD, रेजिस्टेंस ऑफ AD, रेजिस्टेंस ऑफ AD, AD का प्रतिरोध, पता कितना है AD प्रतिरोध, AD का आएगा बेटा, अंक निकाल रहे निकालते हैं कितने पार्ट का रेजिस्टेंस, कितने पार्ट का प्रतिरोध. तो आप फॉर्मूला पता नहीं वाला, रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला पता है क्या, आर इक्वल होता है रो एल अपॉन ए,
आर बटा रो एल अपॉन ए, तो इसका आएगा बेटा, इसको लिख रहा हूं मैं, वो तो आर वो एस, इसका लिख रहा हूं पी। अरे समझ लो, सिंबल उसका सिंबल आर, उसका सिंबल एस, इसका सिंबल क्या ले लिया मैंने पी, तो पी किसके इक्वल होगा रो, रो क्या है इस वायर की रेजिस्टिविटी, रो एल और अपॉन ए, ठीक। इसी तरह इसका डी बी का रेजिस्टेंस ऑफ डीबी, डीबी का प्रतिरोध, तो डीबी कितना है, डीबी का, डीबी का जाएगा क्यू, लिखा मैं लिखा डीबी का क्यू, इसका पी इसका क्यू वो आर ये एक्स, अरे ठीक है पी क्यू ये क्यू, क्यू किसी को होगा रो का रो ही आएगा, एल एल कितना आएगा इसके लिए डिटरमिनेंट कर लेना अपॉन एरिया, तो अरे एरिया फिक्स होता है, वहां भी ए यहां भी ए, नेचर वही होती है, वो रो ये भी रो, वो एल ये सो माइनस एल ये क्यों लिख दिया आपने। पी क्या है, पी है इसका रेजिस्टेंस का सिंबल, क्यू क्या है इसका रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पिकोन हमने पढ़ा फॉर्मूला पी अपॉन क्यू, किस पिकोन होता है बेटा आर अपॉन एस, ये फॉर्मूला पढ़ा पी अपॉन इक्वल आपको कितना लिख लो एक बार, फिर हम वैल्यू, अरे हम वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, p अपॉन q इक्वल r अपॉन s, p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही, r की वैल्यू हमको पता होगी और s हमको निकालना है, ठीक है इतना नोट करो, फिर बढ़ता हूं आगे, फटाफट करो इतना नोट। देखते हैं आगे, कर लिए इतना, देखो आगे अब करेंगे बेटा अपन p अपॉन q इक्वल r अपॉन s, तो p अपॉन q कितना है रो l अपॉन a अपॉन रो 100 माइनस l अपॉन a इज इक्वल टू r अपॉन s, रो अपॉन a से बेटा रो अपॉन a कट जाएगा, क्या बचेगा l अपॉन 100 माइनस l इक्वल टू r अपॉन s, ठीक। s निकालना है, s को यहां भेज रहा हूं तो ये आएगा s r 100 माइनस एल को वहां भेज दूंगा तो बन जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल आंसर। यहां पे डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, कैसे किया, p अपॉन इक्वल r अपॉन s, p की वैल्यू पुट करी, q की वैल्यू पुट करी, कटने वाले कट गए, l अपॉन 100 माइनस एल आ गया r अपॉन s, s को वहां भेज दिया, 100 माइनस एल को इधर भेज दिया, l को नीचे भेज दिया, s का फॉर्मूला आ गया, कंप्लीट नोट कर ले बेटा ये कंप्लीट फटाफट नोट कर ले, ये कंप्लीट फटाफट नोट कर ले, अरे ये कंप्लीट फटाफट नोट कर ले, महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की ये, देखो ध्यान दो आगे, एक क्वेश्चन बताता हूं, इस पे एक क्वेश्चन देखो बेटा, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो इंग्लिश में, मतलब लिखो क्वेश्चन, इन गिवन डायग्राम, इन गिवन डायग्राम फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, हिंदी मीडियम लिखो, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में शून्य विक्षेप के लिए, दिए गए चित्र में शून्य विक्षेप के लिए, दिए गए चित्र में शून्य विक्षेप के लिए आर का मान ज्ञात करें, दिए गए चित्र में शून्य विक्षेप के लिए आर का मान ज्ञात करें, आर का मान ज्ञात करें, कर लो नोट, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ करके देखो, ध्यान रखना सिंबल क्वेश्चन वाला कुछ भी लगता है आप, तो यहां रखो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट,
उधर वाला अपॉन इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला अपॉन इधर वाला। हमेशा जीतोगे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ लगाओ, इधर वाला अपॉन इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला अपॉन इधर वाला। ठीक, मीटर बीच का डायग्राम था ना उसमें लगा, उसमें भी लिख लेना, कर देखो कर लोगे कितना आया। देखो सिंपल सा, 55 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर अपॉन, ये 20 है तो कितना होगा, ये होगा 100 माइनस 20 कितना होता है 80, कर लोगे सो तो आर कितना आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा 55 अपॉन 20 इंटू 80 यानी कितना आ जाएगा 220 ओम आंसर। करो कंप्लीट फटाफट, आर कितना जाएगा बेटा 220 ओम आंसर, 220 ओम आंसर। फटाफट कर लो कि आपको डोरेमोन लगाना सिखाऊंगा, डोरेमोन डोरेमोन कर लिया। देखो आगे, इसके बाद हेडिंग करो मीटर सेतु की सीमाएं, मीटर सेतु की सीमाएं लिमिटेशन। फटाफट करेंगे, थ्योरेटिकल है, कमी क्या है, पहली कमी लिखो, पहली कमी लिखो विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, लिखो फटाफट हिंदी मीडियम, पहली विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, विसर्पी कुंजी को, मैं देखता हूँ चल रहा है, विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए अन्यथा तार की मोटाई परिवर्तित हो जाएगी, अन्यथा तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाएगा, अन्यथा तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाएगा जिससे प्रतिरोध का मान भी बदल जाएगा, जिससे प्रतिरोध का मान भी बदल जाएगा, प्रतिरोध का मान भी बदल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, जो कि शुड नॉट स्लाइड, जो कि शुड नॉट स्लाइड ऑन वायर, शुड नॉट स्लाइड ऑन वायर अदरवाइज, अदरवाइज अदरवाइज क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर विल चेंज, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, सही लिखना बेटा, अदरवाइज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर विल चेंज, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर विल चेंज, विल चेंज, सो रेजिस्टेंस विल चेंज, सो रेजिस्टेंस विल चेंज। ये पहली कमी थी, अरे ऐसे कह रहा था तुम, ठीक है वो तो जो भी थी ना उसको बुरी तरह मत घिसना, ऐसे उसको बुरी तरह मत घिसना, जितना तेज घिसोगे, सोचो अगर कोई उसको पैन को ऐसे घिसेगा तो उस वायर की मोटाई बदल जाएगी, उसका एरिया बदल जाएगा, कहीं से पतला तो कहीं से मोटा हो जाएगा, और आपको पता है जिससे उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक, दूसरी कमी लिखो, तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करें, तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करें, तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करें अन्यथा ताप बदलने पर प्रतिरोध बदल जाएगा, अन्यथा ताप बदलने पर प्रतिरोध बदल जाएगा। इंग्लिश में लिखो, करंट शुड नॉट फ्लो, करंट शुड नॉट फ्लो इन वायर फॉर लॉन्ग टाइम, करंट शुड नॉट फ्लो इन वायर फॉर लॉन्ग टाइम अदरवाइज, अदरवाइज अदरवाइज रेजिस्टेंस विल चेंज, अदरवाइज रेजिस्टेंस विल चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस विल चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, मतलब क्या बेटा, मतलब ये है कि तार में अगर आप ज्यादा देर धारा प्रवाहित करोगे बेटा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तार गर्म हो जाएगा जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ना, थोड़ा बहुत है, तो अगर आप ज्यादा ही टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, इसलिए जो है वो करंट जो है वो कम प्रवाहित करना चाहिए। आपको पता है ऐसे भी करंट ज्यादा देर करेंगे तो गर्म, और गर्म होने से लंबाई बढ़ जाएगी तो लेंथ बदलेगी, 1 मीटर से लेंथ बदल जाएगी, तो जिससे मतलब एरर आ जाएगी, कमी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है,
थर्ड का लिख लो, थर्ड लिख लो, मीटर सेतु में, मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का मान, मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात प्रतिरोध के भिन्न भिन्न मानों के लिए निकाला जाना चाहिए। ज्ञात प्रतिरोध के भिन्न भिन्न मानों के लिए निकाला जाना चाहिए जिससे त्रुटि की संभावना कम हो, जिससे त्रुटि की संभावना कम हो। देखो इंग्लिश मीडियम, अननोन रेजिस्टेंस मस्ट बी शुड बी कैलकुलेटेड, अननोन रेजिस्टेंस शुड बी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस सो दैट एरर विल बी मिनिमाइज, सो दैट एरर विल बी मिनिमाइज। मतलब क्या, मतलब ये बेटा कि आपके पास जो वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है उससे आप अलग अलग वैल्यू लेके बार बार एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि बेटा आपको पता है एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे उससे क्या होगा, जो आपकी एरर हो क्या होगी कम से कम होगी। ठीक है भाई, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी कमी है। एक और कमी लिख लो, चौथे नंबर की भी लिख लो कमी, मीटर सेतु के, मीटर सेतु के लिए सुग्राहिता अधिकतम कब होगी, मीटर सेतु के लिए सुग्राहिता अधिकतम कब होगी, जब ए व बी बिंदुओं का प्रतिरोध शून्य होगा। नहीं ऐसा देखो, ऐसे देखो, सुग्राहिता अधिकतम तब होगी जब सभी प्रतिरोध एक ही कोटि के हों, जब सभी प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। लिख लो इंग्लिश में, लिख लो, मीटर ब्रिज विल बी मोर सेंसिटिव, मीटर ब्रिज विल बी मोर सेंसिटिव व्हेन ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर, सभी रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हों तब जो है वो ऐसा काम होगा। ठीक, बता मतलब क्या, एक नोट तो ये याद रखना बेटा, आप व्हीट स्टोन सेतु अधिक सुग्राही तभी होता है जब सभी प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। व्हीट स्टोन ब्रिज विल बी मोर सेंसिटिव व्हेन ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर, सभी प्रतिरोध चारों के चारों जब सेम ऑर्डर के होते हैं तो बेटा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S अपने को आसानी से मिल जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा, सभी सेम ऑर्डर के होने चाहिए, बैलेंस कंडीशन आसानी से मिल जाएगी। इससे क्या होगा, इससे मीटर भी ज्यादा सेंसिटिव होगा, ज्यादा अच्छा काम करेगा, कम से कम वैल्यू भी आसानी से निकाल पाएगा। ये बात लिख लो, ये बड़ी बात लिख लो कंप्लीट, फटाफट लिख लो कंप्लीट, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, देखो भी सीधी सी बात है, मीटर ब्रिज का डेरिवेशन आप कंप्लीट सीख लेना, मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या है। शॉर्ट कहानी यही है, मीटर ब्रिज में एक वायर होता है ए बी, तीन स्ट्रिप होती हैं, पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, यहां लगा होता है गैल्वेनोमीटर और जो कि यहां लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी, यहां लगा होता है एक एस, फिर हम कर देते हैं ये लेंथ आती है एल, ये लेंथ आती है सो माइनस एल, तो ऊपर का अपॉन नीचे का, यानी ये मान लो आर, तो आर अपॉन एल इक्वल आता है बेटा एस अपॉन सो माइनस एल, एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा सो माइनस एल इंटू आर बटे एल। यहां तक आपको करना आना चाहिए, कमी पता होनी चाहिए, तीन चार कमी है, ज्यादा घिसो मत, ज्यादा करंट फ्लो मत कराओ, ज्यादा घिसोगे तो क्षेत्रफल बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा तो फिर आर बदल जाएगा, और ज्यादा करंट करोगे तो टेम्परेचर बदल जाएगा, ये सारी बात ध्यान रखनी है।
पढ़ के देखो, अभी अपने भी थोड़ी एनर्जी कम हो रही है, जो पढ़ा है पढ़ लेना, थोड़ा उसमें आगे पढ़ेंगे बाद में। बाय बेटा, करते हैं कैमरा बंद, भाई करेंगे अपन बाद में।